है तो ठीक है, देखते हैं। कर्नाट्स हीट इंजन, तो कर्नाट्स हीट इंजन में आपने ये कहा था कि कर्नाट्स हीट इंजन कर्नाट्स साइकिल पे ऑपरेट करता है। कर्नाट्स साइकिल क्या होता है? तो आपने कहा था कि यदि कुछ प्रोसेस को, जैसे कि दो एडियाबेटिक प्रोसेस और दो आइसोथर्मल प्रोसेस को एक विशेष मैनर में रखा जाए तो वो एक साइकिल फॉर्म करते हैं, और उसी साइकिल को हम कहते हैं कर्नाट्स साइकिल कहते हैं। जैसे कि आपने कल इस टाइप का कर्नाट साइकिल बनाया था, आपने कहा हुआ है कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहाँ पे आपने पी वन वी वन माना है प्रेशर वॉल्यूम, यहाँ पे पी टू वी टू, यहाँ पे पी थ्री वी थ्री और यहाँ पे पी फोर वी फोर आपने माना है। फिर आपने कहा है कि ये प्रोसेस ए बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये टेम्परेचर टी वन पे अकर होता है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, इसमें क्यू वन हीट एब्जॉर्ब होता है। फिर आपने कहा है कि प्रोसेस बी सी एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, चूंकि एडियाबैटिक है इसमें कोई हीट परिवर्तन नहीं होता है। फिर आपने कहा है कि प्रोसेस सी डी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। आपने कहा कि ये टेम्परेचर टी टू पे अकर होता है और इसमें क्यू टू हीट रिजेक्ट होता है। फिर प्रोसेस डी ए को आपने कहा है कि ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है और ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है आपने कहा था। फिर आपने कल प्रोसेस ए बी में वर्क डन कैलकुलेट किया था, तो प्रोसेस ए बी में वर्क डन यानी कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस था डब्ल्यू ए बी आपको मिला था आर टी वन एल एन वी टू अपॉन वी वन आपको मिला था। फिर प्रोसेस बी सी में वर्क डन आपको निकालना था, तो आपने डब्ल्यू बी सी निकाला था आर अपॉन वन माइनस गामा टी टू माइनस टी वन निकाला था। फिर डब्ल्यू सी डी आपने कैलकुलेट किया था, तो ये आया था आर टी टू एल एन वी फोर अपॉन वी थ्री आपको मिला था। फिर डब्ल्यू डी ई आपने निकाला था आर अपॉन वन माइनस गामा टी वन माइनस टी टू। फिर आपने टोटल वर्क डन निकाला था कि टोटल वर्क डन इस कंप्लीट साइकिल में कितना होगा हीट इंजन के द्वारा, तो आपने कहा था डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू डी ए, और ये फाइनल रिजल्ट आपको मिला था आर टी वन माइनस टी टू एल एन वी टू अपॉन वी वन आपको मिला था। इसको आपने कुछ इक्वेशन नंबर दिया था, हमको याद नहीं है, रैंडमली इसको इक्वेशन नंबर 9 दे दे रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 9 है। यानी कि आपने ये कहा कि कंप्लीट एक साइकिल में कर्नाट्स हीट इंजन के द्वारा किया गया कार्य इक्वेशन 9 में आपने लिख रखा है आर टी वन माइनस टी टू एल एन वी टू अपॉन वी वन है। अब जैसा कि आपने ये देखा था कि प्रोसेस ए बी के दौरान कुछ हीट एब्जॉर्ब किया जाता है और वो एब्जॉर्ब हीट कितना है, तो आपने कहा कि क्यू वन। फिर आपने कहा कि बी सी के द्वारा कोई हीट परिवर्तन नहीं होगा। फिर आपने कहा कि सी डी के द्वारा सिस्टम के द्वारा या हीट इंजन के द्वारा क्यू टू हीट रिजेक्ट किया जाता है, यानी कि जितना हीट इसने लिया था उसमें से क्यू टू हीट इसने रिजेक्ट कर दिया सिंक को। फिर डी ए के दौरान कोई हीट परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि सिर्फ दो हीट यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, प्रोसेस ए बी में क्यू वन लिया जा रहा है और प्रोसेस सी डी में क्यू टू रिजेक्ट किया जा रहा है।
इसका मतलब कि इस कंप्लीट साइकिल में जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, तो Q1 लिया जा रहा है उसमें से Q2 रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं जो इक्वेशन 9 में आपने लिख रखा है वर्क डन, इसको आप लिख सकते हैं कि वर्क डन किसके बराबर होगा, तो इन दोनों हीट डिफरेंस के बराबर होगा, यानी कि Q1 माइनस Q2 इक्वल टू RT1 माइनस T2 ln V2 अपॉन V1 के बराबर होगा। अब आपको इफिशियंसी निकालनी है कि इस हीट इंजन की इफिशियंसी कितनी है। तो हीट इंजन की इफिशियंसी आप डिफाइन करते हैं, आप कहते हैं यूजफुल वर्क डन इन वन साइकिल, यानी कि आप लिखेंगे यूजफुल वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड इन वन साइकिल की आप बात कर रहे हैं कि एक साइकिल में उसने कितना कार्य किया और एक साइकिल में उसने कितना हीट एब्जॉर्ब किया। तो यूजफुल वर्क डन आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं कि यूजफुल वर्क डन कितना है एक साइकिल में, तो आपने लिख रखा है Q1 माइनस Q2 इक्वेशन 10 में देखें इक्वल टू RT1 माइनस T2 ln V2 अपॉन V1 आपने लिख रखा है। अब आपको इसके नीचे लिखना है कौन सी क्वांटिटी लिखना है, तो इसके नीचे आपको लिखना है हीट एब्जॉर्ब्ड, एक साइकिल में ये कितना हीट अब्जॉर्ब करेगा। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक साइकिल में सिर्फ एक जगह ये हीट अब्जॉर्ब कर रहा है प्रोसेस ए बी के दौरान, और वो कितना हीट अब्जॉर्ब कर रहा है Q1। ये जो Q2 हीट है ये तो ये रिजेक्ट कर रहा है, अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। यानी कि हमने सिस्टम को कितना हीट दिया था, तो सिर्फ और सिर्फ Q1 हीट दिया था, इंजन को हमने Q1 हीट दिया था, यानी कि हीट एब्जॉर्ब के स्थान पे आप लिखेंगे Q1। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं एब्जॉर्ब्ड हीट किसके बराबर होगा, तो Q1 के बराबर होगा। और आप सिर्फ प्रोसेस ए बी की बात करें तो प्रोसेस ए बी के दौरान ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। और हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये एक्सपेंशन कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि ये कुछ काम कर रहा है। और कितना काम कर रहा है इस प्रोसेस ए बी के दौरान, तो आप देख रहे हैं कि प्रोसेस ए बी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, और इस प्रोसेस के दौरान ये कितना काम कर रहा है, तो आप डब्ल्यू ए बी कैलकुलेट कर लिए हैं, ये किसके बराबर होगा, तो डब्ल्यू ए बी के बराबर होगा। और ये किसके बराबर है, तो आपने कैलकुलेट किया है RT1 ln V2 अपॉन V1 आपने कैलकुलेट किया है। इसका मतलब कि अब आप इसका यूज कर सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब इन वन साइकिल किसके बराबर होगा, तो Q1 इक्वल टू RT1 ln V2 अपॉन V1 के बराबर होगा। तो इसका यूज कर लें आप। चलिए इफिशियंसी प्राप्त करने के लिए हीट एब्जॉर्ब का यूज हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आपने कहा कि Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, आपने कहा कि ये Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया Q1। या ये कितना है, तो आपने कहा है कि RT1 ln V2 अपॉन V1 के बराबर है। या आप लिख सकते हैं इफिशियंसी, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू, आप देखें यहाँ R से R कैंसिल, ln V2 अपॉन V1 से ये भी कैंसिल, यानी फाइनली आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 1 माइनस T2 बाई T1 मिलेगा। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि किसी
कर्नाट सीट इंजन की इफिशियंसी कितनी होती है, तो आपने कैलकुलेट कर लिया ईटा इक्वल टू वन माइनस क्यू टू अपॉन के वन इक्वल टू वन माइनस टी टू अपॉन टी वन के बराबर होगा। अब इस रिजल्ट को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आखिर में ये रिजल्ट क्या बताता है हमको। तो अब आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कंक्लूजन्स देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो आप ये नोट कर रहे होंगे कि जो हीट इंजन की इफिशियंसी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ T1 और T2 है, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर पे ये डिपेंड कर रहा है। हीट इंजन की इफिशियंसी किस पे डिपेंड कर रही है, तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि सोर्स का टेम्परेचर T1 कितना है और सिंक का टेम्परेचर T2 कितना है, यानी कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड कर रहा है कि हीट इंजन की इफिशियंसी कितनी होगी। फिर दूसरा, अब आप यहाँ पे ये भी नोट कर सकते हैं या ध्यान दे रहे होंगे कि चूंकि T1 किसका टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर है सोर्स का, T2 किसका टेम्परेचर है सिंक का। तो अब आप देख रहे हैं कि हीट फ्लो हो रहा है कहां से कहां, सोर्स से सिंक को। T1 यानी कि सोर्स का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है सिंक के टेम्परेचर से, तभी हीट फ्लो करेगा सोर्स से सिंक के तरफ। इसका मतलब कि T2 हमेशा कम होगा T1 से, T2 हमेशा कम होगा T1 से, यानी कि जब T2 हमेशा T1 से कम होगा तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे T2 अपॉन T1 इज लेस देन 1, और जब T2 अपॉन T1 ये लेस देन 1 क्वांटिटी है और पॉजिटिव भी होगी, इसका मतलब कि 1 माइनस समथिंग, तो ये बता रहा है कि हीट इंजन की इफिशियंसी क्या होगी, हमेशा 1 से कम होगी। कर्नाट हीट इंजन की इफिशियंसी क्या होगी, तो हमेशा 1 से कम होगी, और इसका इफिशियंसी किस पे डिपेंड करेगा, तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करेगा, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। फिर तीसरा देखते हैं हम कि तीसरा कंक्लूजन आप क्या निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप इस हीट इंजन की इफिशियंसी बढ़ाना चाह रहे हैं कि इस हीट इंजन को हम और ज्यादा इफिशियंट कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम इसको 100% इफिशियंट करना चाह रहे हैं, तो 100% इफिशियंट करने का मतलब कि हम चाह रहे हैं कि ईटा का मान 1 के बराबर हो जाए। तो अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि T2 को हम 0 कर दें। T2 को जब 0 करेंगे तो समथिंग देखें, ऊपर आपका 0 रहेगा और उसमें T1 से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, टोटल 0, यानी कि ईटा का मान 1 के बराबर आ जाएगा, यानी कि इंजन क्या हो जाएगा 100% इफिशियंट हो जाएगा, यानी कि 100% इफिशियंट ईटा का मान 1 करने के लिए हमें क्या चाहिए। पहला कंडीशन हो सकता है कि T2 का मान 0 हो जाए, और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि T1 का मान इनफाइनाइट कर दे। तो यदि T1 का मान यानी कि जो सोर्स का टेम्परेचर है उसका मान यदि आप इनफाइनाइट कर देंगे, T1 का मान जैसे ही आप इनफाइनाइट करेंगे देखेंगे फिर ये 0 आ जाएगा, T2 अपॉन T1 0 आ जाएगा, इफिशियंसी 1 हो जाएगी। यानी कि किसी तरीके से यदि हम क्या करें, सिंक का टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन कर दें या सोर्स का टेम्परेचर इनफाइनाइट कर दें, तो हीट इंजन की इफिशियंसी 100% हो जाएगी। लेकिन दोनों ही केसेस पॉसिबल नहीं है। आप एब्सोल्यूट स्केल पे 0 डिग्री केल्विन आप प्राप्त नहीं कर सकते। मैं सेंटीग्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, केल्विन की बात कर रहा हूँ। आप इसी पेपर में पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट 0 इज नॉट अटेनेबल,
इसी चैप्टर में आगे आप पढ़ेंगे कि आप एब्सोल्यूट जीरो डिग्री टेम्परेचर आप प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि टी टू इक्वल टू जीरो संभव नहीं है। इसका मतलब कि हीट इंजन की एफिशिएंसी एक संभव नहीं है। दूसरा आप ये भी देखेंगे या जानते हैं कि टी वन इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि कोई ऐसा सोर्स हम नहीं बना सकते कि जिसका टेम्परेचर क्या हो, इनफाइनाइट हो। इसका मतलब कि दोनों ही केसेस पॉसिबल नहीं है, ये बता रहा है कि हीट इंजन की एफिशिएंसी वन नहीं हो सकती है। फिर अब हम तीसरा पॉइंट इसमें एक और नोट कर सॉरी फोर्थ पॉइंट नोट कर सकते हैं। देखें, आपने ये जो कर्नाट साइकिल बना रखा है, आपने इस एक्सिस पे लिया हुआ है पी, इस एक्सिस पे लिया हुआ है वी, तो ये कर्नाट साइकिल कंप्लीटली रिवर्सिबल होता है। कंप्लीटली रिवर्सिबल का मतलब, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, कि आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, तो जब आप इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हीट सोर्स से सिंक के तरफ फ्लो कर रहा है। इसको आपने हीट इंजन बनाया था कुछ इस तरीके का, आपने यहाँ पे कहा था कि सोर्स है, फिर आपने कहा था कि हीट इंजन बनाते वक्त आपने कुछ इस टाइप का बनाया। कहा था कि ये Q1 हीट अब्जॉर्ब करेगा, Q2 रिजेक्ट करेगा टेम्परेचर T2 पे, यानी कि जब आप इस हीट इंजन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दे, हीट फ्लो कर रहा है। कहाँ से फ्लो कर रहा है, तो ये सोर्स है, सोर्स का टेम्परेचर T1 ज्यादा है, ये सिंक है, सिंक का टेम्परेचर T2 कम है, यानी कि सोर्स से सिंक के तरफ हीट फ्लो कर रहा है और हमको इसमें कुछ कार्य प्राप्त हो रहा है। कितना कार्य प्राप्त हो रहा है, तो W कार्य हमको मिल रहा है। कब, जब हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑपरेट कर रहे हैं तब। अब क्या होगा यदि इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करें, तो जब इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करेंगे तो इस केस में हीट फ्लो करेगा सिंक से, पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रहा है सोर्स से सिंक की तरफ, जब रिवर्स डायरेक्शन में आप ऑपरेट करेंगे तो हीट फ्लो करेगा सिंक से सोर्स के तरफ, यानी कि सिंक का टेम्परेचर कम है, सोर्स का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, यानी कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करेगा। और जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप ऑपरेट कर रहे थे तो ये कुछ काम कर रहा था, जब रिवर्स डायरेक्शन में आप ऑपरेट करेंगे तो अब आपको इस पे काम करना पड़ेगा, यानी कि ये जो आउटपुट वर्क आपने लिख रखा है अब ये क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, यानी कि अब आपको इस पे कुछ काम करना पड़ेगा जब आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करेंगे। तो इसका मतलब कि कर्नाट हीट इंजिन रिवर्सिबल हीट इंजन है, आप इसको जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑपरेट करते हैं तो हीट सोर्स से सिंक के तरफ, यानी कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है और आपको कुछ कार्य प्राप्त होता है। जब आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करेंगे तो हीट लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा और आपको इस पे कुछ कार्य करना पड़ेगा, और यही थियोरी है रेफ्रिजरेटर की। यही थ्योरी किसकी है, रेफ्रिजरेटर की। जो आपके घर में रेफ्रिजरेटर है वो इसी सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी कि फोर्थ पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर, ये रेफ्रिजरेटर के तरीके से कैसे काम करता है। सर जैसे आप कहें रिवर्स करने पे, अब हम देखेंगे कर्नाट्स इंजन ऑपरेटिंग इन सीरीज, यानी कि अब आपके पास दो हीट इंजन है तो उसको आप सीरीज में भी ऑपरेट कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं देखते हैं। कार्नाट्स हीट इंजन इन सीरीज मान लीजिए कि आपके पास दो कार्नाट्स हीट इंजन है। सिंपली एग्जाम में आपसे कार्नाट्स हीट इंजन नहीं कहा जाता है, ऐसे भी पूछा जाता है कि दो हीट इंजन सीरीज में ऑपरेट कर रहे हैं तो उनकी इफिशियंसी निकालिए, आपसे इस तरीके से पूछा जाता है, काफी आसान है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो हीट इंजन है, मान लेते हैं कि पहला हीट इंजन आपने कुछ इस तरीके का बनाया हुआ है, यानी कि पहले हीट सॉरी पहले हीट इंजन का सोर्स T1 टेम्परेचर पे है, ये आपका पहला हीट इंजन है। ये सोर्स से Q1 हीट अब्सॉर्ब कर रहा है और Q2 हीट सिंक को T2 टेम्परेचर पे ये रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि ये फर्स्ट हीट इंजन है जिसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर लिमिट कितना है, इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर लिमिट T1 और T2 है, यानी कि इसका सोर्स T1 टेम्परेचर पे है और सिंक T2 टेम्परेचर पे। ये Q1 हीट अब्सॉर्ब कर रहा है और Q2 हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो अब मान लीजिए कि हमारे पास एक दूसरा हीट इंजन है, दूसरा हीट इंजन कुछ इस टाइप का है कि इसका सोर्स T2 टेम्परेचर पे है, इसका सोर्स T2 टेम्परेचर पे है और इसका सिंक T3 टेम्परेचर पे है। मान लीजिए कि ये W2 कार्य कर रहा है, मान लीजिए कि पहले केस में W1 कार्य कर रहा था। देखें बेसिकली आइडिया क्या है इसमें, आप जानते हैं कि ये जो फर्स्ट इंजन है ये जो हीट Q2 रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट करने का मतलब कि जो सिंक को देगा वो बेकार चला जाएगा। T2 टेम्परेचर पे ये जो हीट रिजेक्ट कर रहा है उसको आप वर्क में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ये बेकार चला जा रहा है। तो अब यदि हम क्या करें कि ये जो हीट रिजेक्ट कर रहा है, इस रिजेक्टेड हीट को T2 टेम्परेचर पे जो है इसको हम एक सोर्स बना दे फिर से, और फिर इससे भी नीचे एक टेम्परेचर को ले और उसको हम दूसरे हीट इंजन के सिंक के तौर पे यूज कर ले। तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने दूसरा हीट इंजन बनाया हुआ ये फर्स्ट हीट इंजन है और ये सेकेंड हीट इंजन है। तो आप देख रहे होंगे जो सेकेंड हीट इंजन है उसका सोर्स किस टेम्परेचर पे है, T2 टेम्परेचर पे, और आप जान रहे हैं कि पहले हीट इंजन का सिंक किस टेम्परेचर पे है, तो T2 टेम्परेचर पे है। यानी कि अब आप क्या कर सकते हैं, पहले हीट इंजन का जो सिंक है उसको आप दूसरे हीट इंजन का सोर्स बना सकते हैं। पहले हीट इंजन का जो सिंक है उसको आप दूसरे हीट इंजन का सोर्स बना सकते हैं, यानी कि अब आप इस दूसरे हीट इंजन को यहाँ से लाके और ठीक इसके नीचे रख दें, यानी कि इन दोनों को सीरीज में जोड़ दें। तो जैसे ही सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हीट इंजन का सिंक दूसरे हीट इंजन के सोर्स के तौर पे काम करने लगेगा। तो इस केस में अब आपको क्या करना होता है, इन दोनों हीट इंजन का आप जब यूज करते हैं सीरीज में तो इसका आपको इफिशियंसी कैलकुलेट करना होता है कि इसकी इफिशियंसी कितनी होगी। तो मान लीजिए कि मैंने कहा कि ये फर्स्ट हीट इंजन है, अब इसी में इस सेकेंड हीट इंजन को हम सीरीज में कर देते हैं। तो सीरीज में करने के लिए कुछ आप इस टाइप से करेंगे कि ये पहले हीट इंजन का सोर्स है,
देखें, इसको हमने बना दिया सोर्स दूसरे हीट इंजन का। जो आप रेड कलर देख रहे हैं ये दूसरा हीट इंजन है, इसको मैं फर्स्ट हीट इंजन के सीरीज में जोड़ दे रहा हूं, यानी कि ये दूसरा हीट इंजन है। ये कितना काम कर रहा है, तो ये W2 काम कर रहा है। इसका सिंक किस टेम्परेचर पे है, तो T3 टेम्परेचर पे है। ये कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो आप देख रहे हैं कि सेकेंड हीट इंजन उतना ही हीट एब्जॉर्ब करेगा जितना कि फर्स्ट हीट इंजन रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि ये Q2 हीट यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि यहाँ पे आप लिख पाएंगे कि ये जो Q2 हीट है एब्जॉर्ब कर रहा है किस टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे, और ये कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो आप देखें, आपने कहा हुआ है कि ये Q2 हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, Q3 हीट रिजेक्ट कर रहा है। यानी कि आप लिख पाएंगे यहाँ पे कि ये Q3 हीट जो है की रिजेक्ट कर रहा है किस टेम्परेचर पे, तो T3 टेम्परेचर पे ये रिजेक्ट कर रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि टोटल वर्क डन इन हीट इंजन के द्वारा कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि पहला हीट इंजन W1 कार्य कर रहा है, दूसरा हीट इंजन W2 कार्य कर रहा है, यानी कि टोटल वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हीट इंजन के द्वारा वर्क डन कितना है, तो आपने कहा कि ये W1 है। पहले हीट इंजन के द्वारा वर्क डन W1 किसके बराबर होगा, तो आप लिखेंगे Q1 माइनस Q2 के बराबर होगा। ये Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा था और Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, Q2 हीट रिजेक्ट कर रहा था। इसका मतलब कि इसके द्वारा किया गया कार्य W1 इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो आपने यहाँ पे लिख लिया W1 इक्वल टू Q1 माइनस Q2। दूसरा जो हीट इंजन है, आप देख सकते हैं कि वो कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, Q2 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और कितना रिजेक्ट कर रहा है, तो Q3 हीट ये रिजेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि इन दोनों के डिफरेंस के बराबर ये कार्य करेगा। तो W2 किसके बराबर होगा, तो आप लिख सकते हैं Q2 माइनस Q3 के बराबर होगा। यानी कि आपने कैलकुलेट कर लिया कि पहला हीट इंजन कितना काम करेगा और दूसरा हीट इंजन कितना काम करेगा। तो आप टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं, तो टोटल वर्क होगा W इक्वल टू W1 प्लस W2, यानी कि आप लिखेंगे Q1 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q3 आप लिखेंगे। आप देख रहे होंगे कि Q2 कैंसिल आउट होगा, क्या मिलेगा आपको, Q1 माइनस Q3 मिलेगा। यानी कि यदि दो हीट इंजन है उनको आप सीरीज में ऐड कर दें, तो उनके द्वारा वर्क डन एक साइकिल में किसके बराबर होगा, तो आप देख रहे हैं कि ये जो Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और फाइनली सिंक को ये जितना हीट रिजेक्ट कर रहा है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, यानी कि Q1 माइनस Q3 के बराबर होगा। आपने कर दिया इसको इक्वेशन नंबर 3। अब आपको इसकी इफिशियंसी निकालनी है कि इस हीट इंजन की इफिशियंसी कितनी होगी। तो इफिशियंसी आप निकाल सकते हैं। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे कि इसने कितना कार्य किया एक साइकिल में और उस कार्य के लिए इसने कितना हीट एब्जॉर्ब किया है। इन दोनों का रेशियो आप लेंगे, यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि इफिशियंसी आप लिखेंगे यूजफुल वर्क डन अपॉन एब्जॉर्ब्ड हीट। तो इसने कितना कार्य किया, तो ऊपर आपने कैलकुलेट करके रखा हुआ है कितना,
Q1 minus Q3 अपॉन कितना हीट ये एब्जॉर्ब किया।